हेलो माय लवलीज, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग वेल। सो गाइज, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 मॉइस्चराइजर की, जो कि ऑयली प्लस एक्ने प्रोन स्किन के लिए विंटर्स में बहुत अच्छा काम करेंगे। सो यस, मेरे चैनल पे ऑलरेडी आपको टॉप 5 फेस वॉशर्स, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, सैरम, इन सबके रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगे, बट दे ऑल आर समर अप्रोप्रिएट प्रोडक्ट्स। लाइक विंटर्स में आपकी स्किन बिल्कुल डिफरेंटली बिहेव करती है, रिएक्ट करती है, तो जो भी समर्स में आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, जरूरी नहीं है कि विंटर्स में आपकी स्किन के लिए आएंगे। और मैं तो बोलूंगी विंटर्स में आपको अपना स्किन केयर रूटीन टोटली चेंज करना चाहिए। सो यस, आज के वीडियो में हम मॉइस्चराइजर के बारे में बात करेंगे। ऑलरेडी मेरे चैनल पे आपको टॉप 5 फेस वॉशेस फॉर ऑयली एक्ने प्रोन स्किन इन विंटर्स का वीडियो आपको मिल जाएगा। सो लिंक मैं आपको आई बटन पे दे दूंगी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर फेस वॉशेस आपको चाहिए तो आई मस्ट से कि वो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। आफ्टर फेस वॉश आपको अपनी स्किन पे लगाना होता है एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर, जो कि एक मैंडेटरी थिंग है। यस, अगर आप सैरम स्किप करना चाहो, कोई भी एसेंस नहीं लगाना चाहो, टोनर स्किप करना चाहो, तो यू कैन डेफिनेटली स्किप, बट मॉइस्चराइजर आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। चाहे आपका स्किन का टाइप कोई भी हो, चाहे कोई भी वेदर हो, चाहे आप कहीं भी रह रहे हो, ह्यूमिड वेदर हो, ड्राइंग वेदर हो, कैसा भी हो, मॉइस्चराइजर इज मस्ट। सो यस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर दे देती हूँ, दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर वीडियो। किसी भी ब्रांड को मैं यहाँ प्रमोट नहीं कर रही हूँ, उनके प्रोडक्ट्स को, जो प्रोडक्ट्स मैं यूज कर चुकी हूँ, जो मैं विंटर्स में करती हूँ, वो उन्हीं पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जो कि मेरे फेवरेट है, अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, अच्छा काम करेंगे विंटर्स में आपकी स्किन के लिए। अमेज़न पे स्टार्ट हो चुकी है वार्डरोब रिफ्रेश सेल, जो कि 8th से 13th ऑफ दिसंबर तक है। इसमें आपको ऑलमोस्ट सारे अच्छे अच्छे ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स पे 50-80% तक का ऑफ मिल जाएगा। सो सारे प्रोडक्ट्स आपको बहुत अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस पे अवेलेबल है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर लीजिएगा, लिंक्स आपको वहां पे मिल जाएंगे। सो यस, बात कर लेते हैं वन बाय वन सारे प्रोडक्ट्स के बारे में। तो जो फर्स्ट मॉइस्चराइजर है गाइस, दैट वन इज माय फेवरेट, एब्सोल्यूट फेवरेट, काफी टाइम से मैं इसको यूज कर रही हूं, एंड दिस इज माय थर्ड ट्यूब। ये है डॉक्टर शेड का सेरामाइड एंड वाइटामिन सी ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर। सो इसके बारे में आपने बहुत ज्यादा सुना होगा। सबसे अच्छी बात कि इसके अंदर सेरामाइड्स है। सो सेरामाइड्स बेसिकली आपकी स्किन को रिपेयर करते हैं, जो भी आपके फ्री रेडिकल डैमेज हो गए आपकी स्किन को, उसको रिपेयर करने का काम करेंगे, आपकी स्किन पे ग्लो लेके आते हैं। सेरामाइड हर एक स्किन के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं, जरूरी नहीं कि ऑयली स्किन पे ही करेंगे, अगर आपका कॉम्बिनेशन है या ड्राई स्किन है उसके लिए भी बहुत अच्छा वर्क करेंगे। एंड इसके अंदर साथ ही साथ में अश्वगंधा एक्सट्रैक्ट एंड 1% विटामिन सी। सो विटामिन सी वैसे 1% इतना मायने नहीं रखता है, बट वो आपकी स्किन को कहीं ना कहीं अच्छा करने में, लाइक थोड़ा सा ब्राइटनिंग के लिए या स्कार्स वगैरह के लिए काम आएगा। एंड दिस इज वेरी लाइट वेट मॉइस्चराइजर, मतलब आप भरी गर्मी में भी इसको लगाओगे ना तो भी आपकी स्किन लाइक स्वेटी या इरिटेट नहीं होगी या जल्दी से सीबम नहीं आएगा स्किन पे। बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर है, मैंने इसको समर्स में भी यूज किया और मैं इसको विंटर्स में भी यूज कर रही हूँ। विंटर्स में भी बहुत अच्छा काम करता है, बिल्कुल भी स्किन को लाइक बहुत ऑयली भी नहीं बनाएगा और बहुत ड्राइंग भी नहीं करेगा। सो डेफिनेटली ऑयली स्किन वाले जो लोग होते हैं ना, उनको हमेशा विंटर्स में भी वैसे ही मॉइस्चराइजर चाहिए जो आपकी स्किन को बहुत भर भर के ऑयल ना दे दे, अदरवाइज एक्ने जो होते हैं वो आने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। सो यही ट्राई करो कि लाइट वेट उसका फॉर्मूला हो, बट उसके अंदर सेरामाइड्स हो और अच्छे से आपकी स्किन के पीएच लेवल को मेंटेन करके चले। सो दिस इज द बेस्ट 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 मॉइस्चराइजर, प्राइस भी बहुत ज्यादा नहीं है, बट ऑयली स्किन है और विंटर्स में, समर्स में, रेनी में, कोई भी सीजन में आप ढूंढ रहे हो एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर, डेफिनेटली इसको एक बार जरूर से ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट जो मॉइस्चराइजर है गाइज, दैट वन इज सिंपल का हाइड्रेटिंग लाइट मॉइस्चराइजर। सो ये जो मॉइस्चराइजर है ये भी एवरग्रीन है, मतलब आप हर एक सीजन में इसको यूज कर सकते हो। मैं इसको, मतलब जब मैं अपना मॉर्निंग स्किन रूटीन करती हूँ उसके बाद में यही यूज करती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में थोड़ा सा वेदर ड्राई होता है। सो हमेशा आपको थोड़ा सा ऐसे जिसके अंदर ह्यूमेक्टिंग प्रॉपर्टीज ज्यादा हो, वो वाला मॉइस्चराइजर यूज करना चाहिए। आई थिंक इसके अंदर दो वेरिएंट आते हैं, एक जो वेरिएंट है वो थोड़ा सा ड्राई स्किन के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, बट दिस इज परफेक्ट फॉर ऑयली स्किन। फॉर्मूला इसका काफी ज्यादा लाइट है, इनफैक्ट स्किन के लिए भी बहुत ज्यादा काइंड है। इसमें कोई भी आर्टिफिशियल परफ्यूम, कलर, फ्रेग्रेंस या एल्कोहल या इस तरह के मतलब इंग्रेडिएंट्स नहीं है जो आपकी स्किन को हार्श करेंगे, काफी अच्छे से रिएक्ट करते हैं स्किन को। बेसिकली इसका एक ही काम है, स्किन को नरिश करना, मॉइस्चराइज करना, वो ये करता है। ये किसी भी तरह का क्लेम नहीं करेगा, इसके अंदर विटामिन सी है, नियासिनमाइड, सैलिसिलिक एसिड है, जो आपके अदर प्रॉब्लम को भी लाइक सॉल्व करेगा। ये जस्ट नॉर्मल आपकी स्किन को अच्छे से हाइड्रेट करता है। सो एक लाइट मॉइस्चराइजर आप ढूंढ रहे हो, आपकी स्किन को लाइक काइंड रहे, उसके लिए आप डेफिनेटली सिंपल का ये मॉइस्चराइजर ट्राई कर सकते हो। मॉइस्चराइजर है, दैट वन इज मिनिमलिस्ट का विटामिन बी 5 मॉइस्चराइजर, जो कि कॉपर, जिंक, मैग्नीशियम, हाइलोरिक एसिड इन सबके साथ आता है। एंड वी ऑल नो हाइलोरिक एसिड बेसिकली आपकी स्किन पे ह्यूमेक्टेंट की तरह काम करता है, जो कि आपकी स्किन को सॉफ्ट सफल बनाता है, मॉइस्चर को लॉक करके रखता है, तो जिससे आपकी स्किन ना काफी ज्यादा लाइक हेल्दी दिखती है, ग्लोई दिखती है। इनफैक्ट इसका फॉर्मूला भी काफी ज्यादा लाइट वेट है, ऑयल फ्री फॉर्मूला है। सो बेसिकली ऑयली प्लस कॉम्बिनेशन दोनों स्किन के लिए अच्छा रहेगा। और विंटर्स में जब आप इसको लगाओगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा यार, मतलब आप मक्खन लगा रहे हो, इतना ज्यादा वेलवेटी इसका टेक्सचर है और बहुत अच्छे से स्किन के अंदर सॉकिंग होता है, मतलब
इसको मैं जब भी देखती हूँ ना मेरे फेस पे स्माइल आ जाती है, मुझे इतना ज्यादा अच्छा लगता है ये वाला मॉइस्चराइजर। तो मेरा ये प्रोडक्ट खत्म हो चुका है, मुझे नया बाय करना है, बट अभी और भी मॉइस्चराइजर है तो मैं सोच रही हूँ पहले उनको फिनिश कर दूँ, उसके बाद डेफिनेटली मैं इसको ही रीपर्चेस करूंगी। बहुत अच्छा इसका फॉर्मूला है, सो विंटर्स के लिए काफी अच्छा रहेगा। एंड आपकी स्किन पे अगर आपको डिफरेंट सेरम्स वगैरह नहीं लगाने हैं, जस्ट फेस वॉश करके मॉइस्चराइजर लगाना है, तो ये उसके लिए भी अच्छा है, क्योंकि इसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड है, कॉपर है, जिंक है, मैग्नीशियम है, सारे ऐसे इंग्रेडिएंट है कि आपको अदर से सेरम लगाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट मॉइस्चराइजर गाइस, दैट वन इज फ्रॉम ब्रांड लोरियल पेरिस। सो बात आती है स्किन केयर की, तो मुझे ये पर्टिकुलर ब्रांड बहुत पसंद है। इसका सेरम ले लो, इसकी क्रीम्स ले लो, इसके फेस वॉश भी काफी ज्यादा अच्छे हैं। सो रिवाइटलिफ्ट क्रिस्टल फ्रेश हाइड्रेटिंग जेल क्रीम, सो दिस इज जेल बेस्ड फॉर्मूला, बट बेसिकली ये आपकी स्किन को बहुत अच्छे से नरिश करता है, हाइड्रेट करता है। सो अभी इसकी पैकेजिंग थोड़ी सी चेंज हो गई है, मेरे पास ये वाला व्हाइट वाला कंटेनर है, वैसे मेरे पास जो पर्पल वाला था वो भी है, बट वो मुझे अभी मिल नहीं रहा है, सो मैंने यही वाला पिक कर लिया। सो अगर आप आफ्टर 25 कोई अच्छा सा जेल मॉइस्चराइजर क्रीम ढूंढ रहे हो जो आपकी स्किन के रिंकल्स, फाइन लाइंस या जो फ्री रेडिकल डैमेज हो गया आपकी स्किन को, उसको रिपेयर करें, एक होता है ना क्लासी प्रोडक्ट आप अपनी स्किन केयर के लिए ढूंढ रहे हो, जो बेसिकली ना सिर्फ आपकी स्किन को हाइड्रेट या मॉइस्चराइज करे, बल्कि आपकी स्किन पे ग्लो लेके आए, लगे कि यस आप अच्छा प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप इसको ट्राई कीजिएगा। बहुत ही अच्छा इसका क्रीम है ये, एंड इनफैक्ट लोरियल का जो हाइलुरोनिक एसिड सेरम है, दिस वन इज वन ऑफ माई फेवरेट सेरम, वो भी बहुत अच्छा है। एंड यस, ये आपकी स्किन को 24 आवर्स तक हाइड्रेट रखता है और एक क्रिस्टल क्लियर स्किन आपको प्रोवाइड करता है, मतलब आफ्टर वन मंथ आपको खुद को रिजल्ट पता चलेगा इसको यूज करने के बाद। सो आई थिंक मैंने इसके 2 से 3 टब खत्म कर दिए हैं, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये। एंड यस, उसके बाद जो नेक्स्ट मॉइस्चराइजर है गाइज, दैट वन इज राइस सेरामाइड मॉइस्चराइजर फ्रॉम ब्रांड बॉडी शॉप। सो ये मॉइस्चराइजर जब मैंने इसका रिव्यू किया था, डेडिकेटेड रिव्यू, तब मैंने समर्स में इसको यूज किया था, तो समर्स में मुझे थोड़ा सा स्टिकी लग रहा था, ऑयली लग रहा था, बट विंटर्स में जब मैं इसको यूज कर रही हूँ, तो विंटर्स के लिए मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट लगा। समर्स में तो मैंने 5-7 दिन यूज किया, उसको रख दिया था, मुझे अपनी स्किन के हिसाब से नहीं लगा, बट विंटर्स में अगर नाइट टाइम में अगर आप यूज करोगे ना, तो आपको फॉर श्योर इसका रिजल्ट मिलेगा। इसलिए बॉडी शॉप ब्रांड कोरियन ब्रांड है, जो तो बेसिकली जो बॉडी शॉप ब्रांड है वो कोरियन ब्यूटी ब्रांड है, जो कोरियन के प्रोडक्ट्स वी ऑल नो स्किन को क्रिस्टल क्लियर या एक अच्छी सी स्किन देने में काफी हेल्पफुल होते हैं। सो इसके अंदर फर्मेंटेड राइस का एक्सट्रैक्ट है, जो आपकी स्किन को बहुत अच्छे से नरिश करता है, ग्लोई सपल स्किन आपको देता है। सो ये बेसिकली ब्राइटनअप का काम करेगा। अगर आप इसके रिव्यू देखोगे अमेजोन वगैरह पे भी जाके, तो बहुत ही अमेजिंग रिव्यू है, लोगों ने मतलब अपना बिफोर आफ्टर दिखाया है स्किन पे, इतना अच्छा सा ये रिएक्ट करता है। तो फॉर्मूला भी इसका काफी ज्यादा लाइट है, मतलब आपको कुछ इस तरह का मिलता है ये, जैसे बॉडी लोशन वगैरह होते हैं ना हमारे, वैसे मिलेगा। बहुत अच्छे से स्किन के अंदर सॉकिन होता है, एंड लुक एट दिस, मतलब हाइड्रेट बहुत अच्छी करता है स्किन को। सो विंटर्स के लिए डेफिनेटली आप इसको ट्राई कर सकते हो। सो यस गाइस, ये थे कुछ 5 मॉइस्चराइजर जो विंटर्स के लिए परफेक्टली काम करते हैं। सो लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो अगर आपकी ऑयली स्किन है, आप परेशान हो रहे हो क्योंकि विंटर्स में आपकी स्किन को आपको मॉइस्चराइज भी करना है, और साथ ही साथ में जो ऑयलीनेस या ग्रीजीनेस जो सीबम होता है उसको भी कंट्रोल करना होता है, इनमें से कोई भी आप ट्राई जरूर से कर सकते हो। सो या गाइस, दैट्स ऑल अबाउट इन टुडेज़ वीडियो। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं फॉर श्योर आपको रिप्लाई करूंगी। लिंक्स मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिए हैं, एक बार जाके चेकआउट कर लीजिएगा। सो या थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगेन नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।